good morning students uh, we had started with lesson 7 conservation of uh, plants and animals and uh, we had done up to this point project tiger takamne vale paragraph the tak katham so let us start it further uh, as children move ahead they see अ बोर्ड विथ सात सातपुरा टाइगर रिजर्व रिटर्न ऑन इट राइट ये चिल्ड्रन जो है वो एक नेशनल रिजर्व में घूमने गए हैं और ये सब आगे देख रहे हैं माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री प्रोजेक्ट टाइगर अंडरलाइन दिस पॉइंट इट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री राइट the objective was to maintain the survival and uh, population of tigers in the country all tigers are tigers still found in this forest i hope i can see a tiger uh, tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forests but the satpura tiger reserve is unique in the sense that a significant increase in population of tigers has been seen here वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायन्स एलिफेंट्स वाइल्ड बफेलोज वाइल्ड बफेलो इज शोन इन फिगर सेवन पॉइंट फाइव जस्ट अ मोमेंट हियर या इट इज़ वाइल्ड बर्फेलो एंड बारा सिंघा फिगर सेवन पॉइंट सिक्स दिस इज बारा सिंघा इट इज अ काइंड ऑफ डियर सी उसके सीन कुछ अजीब से है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बारा सिंघा ओके Uh, barasingha we, uh, were also found in the satpura national park animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered piece, species underline all these things this is the definition of endangered animals bujo is reminded of the dinosaurs which became extinct a long time ago survival of some animals has

पोचिंग पोचिंग मतलब मारना हंटिंग करना बर्ड्स का हंटिंग कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड दिस इज मेडिसिनल है मीडी होना चाहिए यहाँ पे मेडिसिनल वो प्रिंटो एरर है ओके एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन ऐसा है कि uh, uh, सिर्फ बड़े एनिमल्स एक्सटिंक्शन फेस करें ऐसा नहीं है छोटे छोटे भी कई एनिमल्स होते हैं Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. At times, we kill snakes, frogs, lizards, bats, and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. By killing them, we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chains and food webs. अबाउट विच यू लर्न इन क्लास सेवेंथ राइट फूड चेन एंड फूड वेब्स का एक इंटेग्रल पार्ट होता है हर एक एनिमल राइट right? और उसमें से अगर आप वो वो एनिमल को रिमूव कर दोगे यानी उनकी सारी प्रजाति उनकी सारी स्पीशीज अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो जो फूड चेन का पोर्शन है वो एम टी हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा बाकी के दूसरे सारे एनिमल्स इंटर्न सफ़र करेंगे बिकॉज ऑफ द डेफिशंसी ऑफ दैट एनिमल राइट वी नो इन एन इको सिस्टम छोटा फिश होता है उसको बड़ा फ़िश खाता है फिर उसको और बड़ा फिश खाता है फिर उसको और बड़ा फिश खाता है राइट तो अगर बीच वाला ए, ये फिश चला जाएगा तो फिर ये छोटे फिश को ज़्यादा खाएगा इनकी पॉपुलेशन भी कम होती जाएगी ऐसे सब प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं देर विल बी अ डिस्टर्बेंस इन द इको सिस्टम बिकॉज ऑफ दैट एंड इको सिस्टम नो फ्रॉम हियर आई थिंक वी हैव टू डर माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर ओके वी हैव रेड दिस एंड इको सिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लान्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गैनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कम्पोनेंट जिस क्लाइमेट सॉइल रीवर डेल्टाज एक्सेट्रा एंड इको सिस्टम क्या है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कम्पोनेंट्स को मिला के इको सिस्टम बनता है दे आर हैविंग इंटर रिलेशनशिप्स विद ईच अदर राइट जैसे सॉइल वहाँ का सॉइल है वहाँ का क्लाइमेट है वाटर है वो सब वहाँ के एनिमल्स से रिलेटेड होते हैं और एनिमल्स उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं राइट सो ऑल दिस फॉर्म्स द इको सिस्टम द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द फ्लोरा एंड फोना इन दैट पर्टिकुलर प्लेस द क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड द इको सिस्टम ओके नाउ आई वर इफ़ देर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का कहीं पर तो रिकॉर्ड रखते होंगे हम लोग तो ही पता चलेगा कि कौन सी स्पीशीज़ डेंजर में है और ख़त्म हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने टाइगर का देखा अपना जो है नॉर्मल ये अपना नेशनल ना, एनिमल बंगाल टाइगर राइट right? तो वो हमको कैसे पता चला कि एक्सटिंक्शन की कगार पे है जब हम लोग ने काउंटिंग किया और पता चला कि उनकी उनकी स्पीशीज़ में इतने ही एनिमल्स अब जिंदा बचे हैं राइट सो देन वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन मेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशन सो दैट इज़ बीन रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल रेड डेटा बुक वहाँ उसके अंदर सारे uh, अलग अलग स्पीशीज़ का सब रिकॉर्ड रखा जाता है स्पेशली दोज विच आर इन टू ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंगशन जो एंडेंजर्ड बोलते जाते हैं उन उनका सब उसके अंदर डिटेल होता है प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन ही टेल्स दैन दैट रेड डेटा बुक इज द सोर्स ऑफ बुक विच कीप्स अ रेकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लान्टो अंडरलाइन दैट

विंटर्स साइबेरियन क्रेन्स एक्चुअली लिव इन साइबेरिया साइबेरिया इज़ नियर द पोल्स राइट सो विंटर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं टेम्परेचर्स गो डाउन टू माइनस थर्टी डिग्रीज थर्टी सेवन डिग्रीज माइनस फोर्टी फिफ्टी भी जाता है राइट right? सो so, फिर वो वहाँ का जो इतना कोल्डेस्ट टेम्परेचर है वो बेयर नहीं कर पाते तो जैसे ही विंटर ऑनसेट होता है शुरू होता है दीज बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस दीज साइबेरियन क्रेन्स कम टू भरतपुर लाइफ सेंचुरी इन इंडिया राइट So, this is a uh, migration which happens naturally in certain animals and birds. The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the tawa Reservoir. Reservoir Matla Pani Reservoir to relax for some time. Paheli observes some of the birds near the river. Madhavji tells the children that. These are migratory birds. These birds are flown here from other parts of the world. Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes. They fly for laying eggs as the weather in the natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds as paheli learnt in class 7 the example for this is the siberian crane now what is here that we shall read uh, what would happen if we had no wood is there any alternative available to wood i know that paper is one of the most one of the important products we get from forests i wonder whether there are any alternatives available for paper जितना पेपर बनता है उतना वुड्स उतने ट्रीज कटते हैं राइट इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि पेपर को भी सेव करो जितना पेपर बचाओगे उतने ट्रीज़ बचेंगे बिकॉज़ ट्रीज़ के बार्क में से ही पेपर बनता है राइट इन इनफैक्ट वी शुड रिसाइकल जो पेपर बना हुआ है उसको रिसाइकल आप काफ़ी टाइम कर सकते हो पंद्रह से सत्रह बार कर सकते हो उसके ऊपर की इंक भी निकल के वो उसके अंदर से प्लेन पेपर वापस हो सकता है सो दैट शुड बी डन Recycling of paper will save a lot of trees. So, let us study what is recycling of paper. Professor Ahmed draws attention of the children to another cause of deforestation. He tells them that it takes 17 full grown trees to make one ton of paper, right? It takes how many? 17 full grown trees to make one ton of paper therefore we should save paper professor ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times after for use if each student saves at least one sheet of paper in a day we uh, can save many trees in a year we should save reuse and paper and recycle it reuse used paper and recycle it right reuse reduce and recycle ये तीन आर्स आपको हमेशा याद रखने हैं it is very good reuse मतलब जो आपने वेस्ट में निकाल दिया अगर उसकी एक साइड यूज करने जैसी है तो उसको यूज़ करो रिड्यूज uh, मतलब जितना हो सके उतना कम यूज़ करो आजकल सब जगह पे आ, पेपर कम करके सब कुछ ऑनलाइन हो गया है राइट दैट इज़ बिकॉज डिजिटल मीडिया हैज़ कम इन एंड वी डोंट नीड पेपर अभी तक बैंकों में आपकी बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करके दी जाती थी नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग यू द बैंक स्टेटमेंट्स ऑन योर ई मेल ऑनलाइन ई स्टेटमेंट्स आने लग गई है दिस इज़ जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू सेव ट्रीज राइट क्योंकि जितना पेपर वो आप यूज करोगे उतने ही ट्रीज कटेंगे एंड रिसाइकल रिसाइकल मतलब जो पेपर ऑलरेडी जनरेटेड है जैसे आप प्लास्टिक रिसाइकल करते हो ताकि नया नया प्लास्टिक ना बने बिकॉज प्लास्टिक इज हेज़ार्डस वेस्ट एंड इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन सो वैसे ही पेपर इज नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग अ पॉल्यूशन बट वी शुड री यूज़ द यूज पेपर एज मैनी टाइम्स एज वी कैन so that what happens is we should we avoid cutting of more and more trees to generate more paper, right? Rubber paper ye sab trees me se aata hai तो उसके लिए trees कटते हैं rubber के लिए trees को काटने की जरूरत नहीं होती है we receive latex from the trees जिसमें से rubber बनता है okay professor ahmed also tells

मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विधिंग रिड्यूज काफी सारे केमिकल्स भी यूज होते हैं पेपर बनाने में रिड्यूज इज देर एनी पर्मांट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन देर आर एक चीज है डिफॉरेस्टेशन यानी सारे ट्रीज को काटना फॉरेस्ट को मिटाना तो उसको स्टॉप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन मतलब जितने प्लांट्स आप काट रहे हो पहले उनको उगाओ और फिर उन ट्रीज़ को काटो राइट right? जितने आप कट कर रहे हो उतने न्यू प्लांटेशंस होने चाहिए दैट इज़ रीफॉरेस्टेशन हो सके उतना कम काटो पेपर को रीयूज़ करो रिसाइकल करो ताकि जितना हो सके ट्रीज़ कम कटे राइट right? और इंफ्रास्ट्रक्चर uh, जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जनरली गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए सो दैट द फॉरेस्ट कैन बी रिटेन्ड बिकॉज फॉरेस्ट रहेंगे तो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले एनिमल्स रहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज रहेंगे नहीं तो फिर ये धीरे 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 एक्सटिंक्ट हो जाएंगे सो लेट एस स्टडी अबाउट रिफॉरस्टेशन प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरस्टेशन reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees underline this restocking of the destroyed forest by planting new trees the planted trees should generally be of the same species which were found in that forest we should plant at least as many trees as we cut reforestation can take place naturally also if the deforested area is left undisturbed the uh, it reestablishes itself

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका एनवायरमेंट डेली चेंज हो रहा है गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है हर साल एक डिग्री टेम्परेचर गर्मी बढ़ रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ़ द ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि ट्रीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एपसऑप करते हैं आपकी हवा में से राइट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस ट्रीज़ को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है आपके वहीकल्स काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड्स हवा में छोड़ते हैं राइट और अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्सॉर्ब करेगा अगर ट्रीज रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एबसॉर्ब होगा और आपको फ्रेश एयर में ऑक्सीजन मिलेगा बिकॉज ट्रीज़ ही आपको ऑक्सीजन देते रहेंगे राइट बिकॉज ऑफ विच वॉट विल हैपन कार्बन डाइऑक्साइड जा, जितना ज़्यादा रहेगा आपकी हवा में उतना ज़्यादा वो अर्थ को ग्रीन हाउस बनाएगा जो सन के यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे आते हैं उनको रिफ्लेक्ट होने नहीं देगा वो रेडिएशन ट्रैप कर लेगा जिसकी वजह से हर साल एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेनफॉल्स अन हो जाएंगे जो अभी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कभी बारिश बिल्कुल नहीं होती है किसी एरिया में तो किसी एरिया में इतनी ज़्यादा होती है कि फ्लड्स आ जा जाते हैं रेनफॉल्स अन हो गए हैं लास्ट थ्री टू तो फोर ईयर्स से ये सिचुएशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फर्दर मोर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट मैनी कोस्टल एरियाज माइट गेट सबमर्स्ड इन टू वाटर परमनेंटली बिकॉज वो आइस मेल्ट होगा तो पानी को जगह तो चाहिए ना वो कहाँ जाएगा लैंड को डुबाएगा राइट सो दिस इज ऑल इंटर्न गेटिंग अफेक्टेड बाय द जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं जितना पॉल्यूशन आपके व्हीकल्स uh, में से फॉसिल फ्यूल बर्न होने से होता है वो सब पॉल्यूशन फिर ऐसे इफेक्ट करेगा ओजोन गैस के लेयर में uh, बड़े बड़े होल्स हो गए हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज हार्मफुल गैसेस विच आर कमिंग इन और इसकी वजह से सन का रेडिएशन सीधा हमारे अर्थ पे आता है सीधा ग्राउंड ऑयल पर गिरता है राइट वी आर नॉट गेटिंग प्रोटेक्टेड एज द ओजोन लेयर इज़ कंप्लीटली डैमेज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट गर्मी बढ़ते जा रही है लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज यू वी रेडिएशन सीधा आपकी स्किन पे आकर के गिरता है एज ओजोन लेयरस आर डैमेज राइट ओके सो दिस इज ऑल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन प्रोफेसर अहमद टोल दैम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट this act is aimed at preservation and con conservation of natural forests and meeting the basic needs of people living in or near the forest. underline this uh, in india we have forest conservation act and it is aimed at preservation and conservation of natural forests and uh, meeting the basic needs of the people living in or near the forest after some rest Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmed and the children thank Madhavji for guiding them through this exciting experience. Right? So, the lesson ends over here. Now, what we studied here, what you have learned, Wildlife Sanctuary, National Park, and Biosphere Reserve are names given to the areas meant for conservation and preservation of forests and wild animals. Biodiversity refers to the variety of living organisms in a specific area. Right, this is a definition of biodiversity. Then, plants and animals of a particular area are known as flora and fauna of that area. Uh, endemic species are found only in a particular area. The species restricted to a particular area are called endemic species. Endangered species are those which are facing a danger of extinction red data book contains a record of danger endangered species migration is the phenomenon of movement of a species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding we should save reuse and recycle paper to save trees energy and water reforestation is the restocking of destroyed forests and planting new trees these are all important points Write down these points in your notebook. They are telling you everything about the lesson. Now we have finished the lesson. These are the exercises. Let us just go through quickly. Fill in the blanks. A place where animals are protected in their natural habitat is called a national park or sanctuary. A place where.

So that I will not repeat them again and I'll share the answers. Right. So we stop here today and write down all the important points that I have instructed you to write for this lesson. I will be sharing the question answers from workbook along with this today and jo remaining pending rahe rahe textbook ka that I will be sharing uh, further. Right. So we stop here today.